राम राम जी, राधे राधे जी, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वेस्ट वुलन में हम जो है बहुत ही अच्छा सा डिफरेंट पैटर्न रेडी करते हैं 1 से 2 ईयर बेबी के लिए। तो इस तरह का नेक मैंने पहले भी शेयर किया आपके साथ, तो उसमें मैंने जो है 10 फंदों का जो है मैंने लेस करना बताया था। अभी मैं इसमें राउंड नेक बताने जा रही हूँ, योक नेक, ठीक है। तो यदि आपको ये 1 से 2 ईयर का आता है तो आप बिग भी बना सकते हो। तो आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी इस पैटर्न को सीखने के लिए मेरी ऑनलाइन क्लासेस को आपने ज्वाइन करना है। तो मैंने जो है एक ही मतलब राउंड सर्कल फ्रॉक में जो है कई तरह के पैटर्न को शेयर किया है। ये फ्रंट से इस तरह से रेडी होता है। और साथ में क्लियर करती हूँ कि 1 से 2 ईयर बेबी के लिए हमारे पास यहाँ पर फंदे जो है 80 होने चाहिए, ताकि उनकी कमर जो है बिल्कुल भी अड़े ना, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट पैटर्न जो है एक ही कार से बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से आप इस पैटर्न को सीख कर जो है योक, फ्रॉक, नेक, गले से स्टार्ट होने वाले प्रोजेक्ट को भी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियोस, इस तरह से, ठीक है। ये भी मैंने एक ही कार्ड से स्टार्ट किया हुआ है। तो चलिए, सिंपल नीटिंग मशीन वाली सीसपी से बखूबी बना सकती है। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, मैं मूल मंत्र देती हूँ। हर 2 रो के बाद जो है आपको जो है धागा चेंज करना होता है और टक बटन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए, मिनी से प्रोजेक्ट को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करते ही मैंने एक एक फंदे को यहाँ पर बाहर निकाल दी गई थी, ठीक है। तो पहली वीडियोज़ में जो मेरे यूट्यूब में वीडियोज़ है उसमें मैंने कहा था आपको ये एक बार ही कटाना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए योक नेक। तो योक नेक के लिए तो मैंने यहाँ पर देखिए किस तरह से फंदों को करना है, एक बार ही नहीं लेस करना है, ठीक है। ये आएगा मेरा यहाँ पर 1, 2, 3, 3 एंड 4। ये मैंने पहले बारी में करना है 4, ठीक है। उसके बाद मेरे आएंगे 3, 2, 1। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अगेन रिपीट कर रही हूँ 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 2, 4, 6, 6, आप चाहो तो 7। तो चलिए हम यहाँ पे पहले 6-7 फंदों को बढ़ा लेते हैं अनदर धागे से, ग्रीन वाले धागे से। यहाँ पर इन फंदों को, अब सारे फंदों को मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 करके पीछे की ओर जाना है, ठीक है। मैंने फंदे बढ़ा लिए है ना, इस तरह से। फिर मैं आपको बताऊँ, तो आपने जब यहाँ पर ना बेट लगा देना है ना, तो जिस कारण कैरेज ना आपका उठते है ना, इस तरह से सभी को। तो ये आर्म भी बन रही है और हमारी नेक की शेप किस तरह से आएगी। तो अभी हमने बाजू की लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, सारे फंदों को बैक करते हुए जाऊंगी, फिर लेस करूँगी, फिर मैं आपको दिखा दूंगी, है ना। इसमें भी मैंने यहाँ पर जब आपके यहाँ पर ग्रीन रंग लगेगा ना, तब तो मैंने यहाँ फंदे बढ़ा दिए थे, ठीक है। और अब आ जाइए हमारे फ्रंट पे, है ना। तो फ्रंट में अब बटन पट्टी, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ बताऊँगी। बस आपने क्या करना है, बटन पट्टी के फंदे और ये वाले फंदे ये उठाने हैं और राउंड नेक तैयार करना है, ठीक है। पहले मैं बटन पट्टी बना लेती हूँ, मतलब 16 से 20 फंदे आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना, 16 रो का ही पैटर्न बना देना, कोई भी लेस नहीं करना है, सीधे प्लेन प्लेन धारी लगाते हुए जाना है, ठीक है। क्योंकि हमारे को सिर्फ यहाँ से 1.5 से 2 इंच का हमारे को नेक चाहिए, है ना। मैंने ना बटन पट्टी के फंदे उठा दिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ तो उठा के किए बिकॉज क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है फंदे कम लग रहे थे ना। तो आपने क्या करना है, बटन पट्टी के जो यहाँ जो बटन पट्टी रहती है ना स्ट्रिप्स, यहाँ के नहीं उठा के आगे उठाने, ताकि आपके जो बटन पट्टी यहाँ से दोबारा से जो बनेगी वो नेक के साथ जुड़ेगी, ठीक है। यहाँ मैं जो है बाद में क्रॉच कर लूँगी, है ना। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले को भी बना देना। 16 रो का ही पैटर्न होना चाहिए, 12 से मतलब 14-16 का पैटर्न होना चाहिए, तब जाके ये राउंड शेप में आएगा। फिर मैं आपको स्टिच करके दिखा लेती हूँ, है ना। का बेबी 1 ईयर से ऊपर है, तब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने 6-7 फंदे बढ़ाए ना, तो आप यहाँ पर जितना मतलब आप
मतलब 3 या 3.5 इंच का जो नेक रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर फंदे बढ़ा लेने हैं आपने 15 तक, तब इसमें ज़्यादा फंदे आएंगे, ठीक है जी। यानी कहने का मतलब है कि ईयर बाइज जो है यहाँ पर फंदे आपके बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है, और बाजू का भी जो साइज़ बढ़ता हुआ जाएगा। तो इस तरह से हमने फंदे उठा कर राउंड शेप को बनाना है।